हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीएल लेड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम ये जितने भी क्वेश्चन है अति लघु ये पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन वन का पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये सेकंड लेसन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और मैं आप सभी को बता दूं, जो सेकंड लेसन का नाम है वो है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेत तथा कोष्टकों का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो ये लेसन का नाम है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोड़ किसे कहते हैं। तो सिंपल पता है जोड़ किसे कहते हैं, बट डिफिनेशन आप याद कर सकते हो। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 + 3 को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 8 + 6 को जब आप ऐड करते हो तो 14 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब जोड़ का डिफिनीशन प्लस उदाहरण के सहित समझाया गया है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि 65, 42, 86, 36, 53, 77 को जोड़िए। तो इसको जोड़ना है, तो सिंपल इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले जो नियम होता है, सबसे ज़्यादा संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6542 है, उसके बाद 8636 है एंड उसके बाद 5377 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 6, 3 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हम 6542 को लिखेंगे तो 6, 5, ठीक है, 4 और 2। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे 5377, तो यहाँ पे 5, 3 और 7 एंड 7। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो 7 और 6 कितना होता है, तो 13 होता है। और 13 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो 13 + 2 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 हासिल कितना, तो 1 बचा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 3 = 7 और 7 + 7 = 7 कितना होता है, 14 होता है। 14 में 1 को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, 15। फिर से हासिल कितना बचा हमारा, 1 बचा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 6 कितना होता है, 11। ठीक है, 11 को 3 में ऐड करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। 14 में जब, क्योंकि हमारे पास 1 हासिल बचा है, तो क्या हो जाएगा, 15। तो 15 का फिर हम 5 लिखेंगे और हासिल हमारा क्या बचा है, 1 बचा है। फिर हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे 5 और 6 कितना होता है, 11। ठीक है, 11 हो गया। और 11 और 8 कितना होगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 और हासिल 1 बचा है, तो क्या होगा, 20। तो इस तरीके से हमने इसको ऐड किया, यानी 6542 को और 8636 को और 5377 को ऐड किया तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 20555। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके चैप्टर में सिलेबस में यही है तो इसको पढ़ना तो होगा ही। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 20555। और आप नीचे लिख सकते हैं 6542 + 8636 + 5377 को जोड़ने पर हमें ये आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि एक क्यारी में 195 पौधे लगे हैं, ऐसी 975 क्यारियों में कुल कितने पौधे लगे होंगे ज्ञात करो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकती हो। सबसे पहले यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक क्यारी है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए ये आपका खेत हो गया। ठीक है, ये आपका खेत हो गया और इसमें एक क्यारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्यारी है, यहाँ पर इसमें कितने पौधे लगे हैं, तो 195 पौधे लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी बहुत सारी क्यारियाँ हैं। इस तरीके से आप फिगर भी अगर चाहते हो कि आप सभी को मार्क्स मार्क्स जो नंबर है वो अच्छा मिले, तो आप इस तरीके से फिगर्स के थ्रू भी समझा सकते हो। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये
मैं ऐसे बना रही हूँ, यहाँ पर ये 975 क्यारियाँ हैं और इन एक क्यारियों में जो पौधे लगाए गए हैं वो 195। तो इसको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कुल कितने पौधे लगे हैं, यानी एक पूरा खेत है उसमें कुल कितने पौधे लगे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 975, ठीक है, 975 मल्टीप्लाई 195 में अगर आप गुणा करेंगे तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप इसको गुणा करते हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है, 19,0,125। तो इस तरीके से अगर आप इसको लगाते हो तो बहुत ही आसानी के साथ यानी 1,90,125 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अभी मैं गुणा करूँगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, आप गुणा कर सकते हो, गुणा करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी भाग देना है कि 7,895 को 23 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 7,895 को 23 में भाग देना है। अब हम किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा नियम होता है हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, यानी 7, 8, 9 और 5, ठीक है, और हमें कितने में भाग देना है तो 23 से भाग देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितने बार में जाएगा तो 3 बार में, यानी 23 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं, ठीक है तो अगर हम 23 का यानी 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, 69 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 23 से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, कितने बार में गया, 3 बार में गया। हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं या साइड में लिख सकते हो। ठीक, अब हम 18 में से 9 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, 6 में से 6 जाएगा तो कट जाएगा और यहाँ पे 99 आ जाएगा। फिर अगर हम 23 में मल्टीप्लाई 4 का करते हैं तो हमको 92 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 92 लिख देंगे और उसके बाद से 9 में से 2 को अगर हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 7, और 9 से 9 कट जाएगा। उसी प्रकार 75, फिर हम 23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको 69 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 बार में गया। अगर हम 75 में से 69 को घटाते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ यहाँ पर 6, और जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है यहाँ पे 343 प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप भाग कर सकते हो। तो यहाँ हम नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है वो 343 और जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला जो आपका फिफ्थ प्रश्न है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, उसमें 1+1, फिर मध्यम वर्ग का कोष्ठक 2+3-1, ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, इसको हल करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद से इसको। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1+, ठीक है, फिर ये वाला इस तरीके से बना लेंगे 2+3-1, देन हम ये वाला ब्रैकेट एंड क्लोज। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लगने का जो तरीका है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1+, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर 2+3-1, 3 में से 1 जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या सिंपल हम 2+5 को सबसे पहले ऐड करते हैं और यहाँ पे -1, ब्रैकेट क्लोज, फिर हम यहाँ पे 1+5 में से 1 जाएगा तो 4, देन 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी 3+2 को हमने ऐड किया तो 5 आ गया, फिर हमारा 1 था 5 माइनस 1 यानी हमारा 4 आ गया। ठीक है, 4+1 तो यहाँ पर हमारा 5 आंसर आ गया। अगला जो आपका प्रश्न है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए वे कितने वर्षों तक जीवित रहा। तो
तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या करना है, घटा देना है, यानी कितने वर्षों तक वो जीवित रहा। प्लेटो का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ, तो 429 ईसा पूर्व हुआ, और 348 ईसा पूर्व यानी दिवंगत यानी उसकी मृत्यु हुई, तो कितने वर्षों तक वे जीवित रहा। तो हम क्या करेंगे, 429 ठीक है और 348, यहाँ से हम इसको घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 ठीक है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हम 4 से 1 ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 3 से 3 जाएगा तो 3 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो इस तरीके से वो 81 वर्ष जो था प्लेटो वो क्या था, जीवित था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिट गया है बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 5 है एंड उसके बाद जो है यहाँ पर 7 है एंड उसके बाद यहाँ पर जो है वो 8 है एंड उसके बाद यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर ये आप सभी को बताना है कि इस स्थान पे क्या है, ठीक है, नीचे यानी जो खाली स्थान है उसको पूर्ति करना है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपल है, आप 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और हमें मालूम है यहाँ पे 15 है, तो 15 किस तरीके से आएगा, तो अगर हम 5 3 8 उसमें 7 को ऐड करते हैं तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 रहेगा। ठीक है, हासिल हमारा 1 बचा है। उसी प्रकार से 5 4 9 होता है, हमें मालूम है यहाँ पे 17 क्योंकि 16 होगा, ठीक है, क्योंकि एक हासिल लेंगे तब 17 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, तो 5 4 9 हो गया और इसमें अगर हम 7 को ऐड करते हैं प्लस 1 को ऐड करते हैं तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारा हासिल 1 बचा है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर 17 रहता है, 1 ऐड करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 को ऐड करते हैं यानी 8 3 कितना होता है, तो 8 3 11 होता है। ठीक है, 11 और यहाँ पर एक हासिल लेंगे, ठीक है, तो अगर हम 6 यानी 11 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। उसी प्रकार हमें मालूम है यहाँ पर 15 है यानी 14 होगा, हासिल 1 है, तो उसी प्रकार 2 1 3 ठीक है, 2 1 3 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 1 को लेते हैं 4 और हासिल हमारे पास पहले ही है, ठीक है, सॉरी मैंने पहले 15 बोल दिया बट यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ 1 लेते हो तो 2 और 1 3 4 और हासिल हमारा 1 है तो 5। तो इस तरीके से जो यहाँ पे फिलअप होगा 1 6 7 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पर 82 72 में से 45 56 को घटाओ, इसको किस तरीके से घटाना है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप 8 2 7 ठीक है, 7 2 एंड फिर 45 56 ये हो गया। अब 12 में से 6 को घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा, अगर आप 8272 में से 4556 को घटाते हो तो जो आप सभी को प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3716। ठीक है, तो बहुत इजी है, आसानी के साथ कर सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि 83 के अंकों, ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉर्ट करते हैं, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 83 के अंकों को, थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, 83 अंकों को परस्पर बदलने पे, यानी 83 है और इसको हम अगर यहाँ पे आपका 8 है और 3 है, इसको हमने परस्पर बदल दिया यानी 3 और 8, ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है कि मूल संख्या से यानी जो हमने परस्पर घटाया यानी 38 और यहाँ पे हमारा जो मूल संख्या है वो क्या है 83, इसको हम दोनों आपस में घटाते हैं तो आंसर क्या होगा। तो सिंपल घटा लेते हैं 83 और 38, यहाँ पे 13 में से 8 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमारा 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा 7 बच गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 45 हो गया। यानी हमने 83 के अंकों को परस्पर चेंज किया बदलने पर, मूल संख्या से घटाने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 45 होगी। लास्ट आज का क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है, इसको आप आसानी के साथ कर सकते हो या आप इसका आंसर भी कर सकते हो, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आसानी से आंसर कर सकते हो। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, ठीक है, एक बगीचा है जिसमें 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए कोई एक बगीचा है, उसमें जो पौधे लगे हैं, कुल पौधे लगे हैं, जस्ट अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि एक क्यारी में इतने पौधे लगे हैं तो कुल क्यारियों में कितने पौधे लगे हैं। यहाँ पर भी वैसे ही पूछ रहा है कि एक बगीचा है जिसमें पौधे की जो संख्या है वो 2025 पौधे लगे हैं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। देन अगर आपको नहीं आता है तो मैं जैसे कि आप सभी को जिस दिन मैथ का वीडियो होगा उसमें जरूर आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सेकंड चैप्टर का पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।